तो भाई बात करने वाले हैं हम आज एल्विस यादव की, जिनका नाम आजकल लगातार सुर्खियों में है क्योंकि अभी जल्द ही इन्होंने बिग बॉस का खिताब जीता है और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर भी हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 नवंबर से इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन इस बार ये नाम सुर्खियों में किसी उपलब्धि को लेकर नहीं बल्कि एक केस के सिलसिले में है। मामला सांपों की तस्करी से जुड़ा हुआ है और इस मामले में एल्विस समेत लगभग 6 लोगों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि एल्विस और उनके साथी इन सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टीज में नशे के लिए किया करते थे। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे एल्विस के ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिनमें वो सांपों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि उस जहरीले सांप को वो अपने गले में डालने के लिए भी बोल रहे हैं। आपको बता दें इन्हीं सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था, इस तरह का पुलिस का दावा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 5 लोग की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। रिपोर्टर्स ने मेनका गांधी से भी इस मामले में बातचीत की और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर एल्विस इस मामले में ज़िम्मेदार पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए। एल्विस ने अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहा है, जिसका वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक वायरल है। वायरल वीडियो में एल्विस साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि इस मामले से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है और जबरन उनका नाम सोशल मीडिया की TRP बढ़ाने के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो के कुछ क्षण जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है। मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ और मीडिया से रिक्वेस्ट है कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विस यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। एल्विस का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में कितना है ये तो सारे साक्ष्य आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस से हुई बातचीत में उनका क्या कहना है ये ज़रा देख लेते हैं। इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, 49 क्षेत्र में एक हॉल है वहीं से, और इसके पास से 9 जो है सर स्नेक बरामद हुए हैं और 20 ml का स्नेक है वेनम बरामद हुआ है। और इसमें हमने टीमें बनाई हैं, सभी बिंदुओं का हम परीक्षण करा रहे हैं, इसमें जो भी दोषी उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। जो वादी है इसमें उन्होंने बताया था कि उनके लोगों के द्वारा एल्विस यादव संपर्क किया गया था, एल्विस यादव ने ही राहुल का नंबर दिया था और इस सभी बिंदुओं का हम लोग, हमारी जो टेक्निकल टीम है, सभी बिंदुओं का अंतर से परीक्षण करें। कुछ खबरों की माने तो फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी नाम इस केस में खींचा जा रहा है, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण अभी तक मौजूद नहीं है। कारण उसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि ध्रुव राठी और एल्विस यादव दोनों एक दूसरे के साथ कतई नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे को हमेशा से पसंद नहीं करते हैं, बल्कि इनके वीडियोस भी अगर आप देखें तो उसमें भी ये एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी करते और हर स्तर की भाषा से एक दूसरे को ट्रोल करते नज़र आते हैं। खैर ये मामला कहाँ तक जाएगा और सत्यता इसकी क्या है ये तो केस का सारा साक्ष्य खुलने के बाद ही पता चलेगा। आपकी इस मामले पे क्या राय है इस वीडियो में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए।